मान लो तुम दुनिया का बेस्ट कंटेंट बनाते हो, तुम्हारी स्क्रिप्ट से लेकर वॉइस एंड इवन एडिटिंग टॉप नॉच होती है, लेकिन इस सब के बाद भी अगर तुम्हारी वीडियो सही ऑडियंस तक नहीं जाती है, तुम्हारे व्यूज नहीं आने वाले हैं। इसे ऐसे समझो, तुम वैसे तो बेस्ट हिंदी वीडियोस बनाते हो, बट अगर यूट्यूब उन्हें अमेरिका के लोगों को दिखाने लग जाए, यार कौन ही देखेगा उन्हें, क्योंकि उन्हें तो वो कंटेंट समझ ही नहीं आएगा। एंड ऐसे में कंटेंट कितना ही अच्छा हो, अल्टीमेटली तुम्हारा चैनल डेड ही हो जाएगा। पर एलग्रो, हम अपनी वीडियोस को सही ऑडियंस तक पहुंचाए कैसे? एंड इसीलिए इस वीडियो में मैंने टैक्स के बारे में काफी डीप में बताया है, तो एक भी सेकंड स्किप करते हो फिर मत कहना कि व्यूज नहीं आ रहे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो तुम्हें अपनी वीडियो पर व्यूज लाने के लिए मेनली तीन चीजों की जरूरत होती है। अब CTR और वॉच टाइम के बारे में तो मैं ऑलरेडी ये वीडियोस बना चुका हूँ, बट दिस वीडियो इज अबाउट दिस थर्ड फैक्टर, गेटिंग योर वीडियोस टू द राइट ऑडियंस। अब वैसे तो इसके लिए YouTube कई सारी चीजों को देखता है, बट इनमें टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन का रोल बहुत बड़ा होता है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल्ड वीडियो जल्द ही आने वाली है। अभी बात करते हैं यूट्यूब वीडियो पर टैग्स लगाने का सही तरीका क्या होता है। ओके, सो वीडियो पर टैग्स लगाने के लिए तुम्हें मेनली दो पॉइंट्स पर फोकस करना होगा। वन, फाइंडिंग द राइट टैग्स, बिकॉज जब तक तुम सही टैग्स ढूंढोगे नहीं तो वीडियो पर लगाओगे क्या। एंड टू, उन राइट टैग्स को लगाने का सही तरीका। अब सारे टैग्स को उठाकर ऐसे ही कॉपी पेस्ट तो कर नहीं दोगे, बल्कि तुम्हें एक करेक्ट फॉर्मेट का यूज करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सही टैग्स ढूंढने कैसे हैं, और फिर उन्हें सही तरीके से लगाना भी सीखेंगे। तो सही टैग्स ढूंढने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी वीडियो के दो तीन सेंट्रल आइडियाज को पकड़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वीडियो बनाता हूँ हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब, तो ऐसे में इसके सेंट्रल आइडियाज हो जाएंगे गेटिंग मोर व्यूज, ग्रोइंग ऑन यूट्यूब एंड यही सब। लेट्स से तुम अपनी वीडियो में विराट कोहली की ड्रॉइंग बनाना सिखाते हो, तो उसके सेंट्रल आइडियाज हो जाएंगे ड्रॉइंग आर्ट एंड विराट कोहली। ऐसे वीडियो कुछ भी हो, सिंपली उसके सेंट्रल आइडियाज को नोट डाउन कर लो। अब बारी आती है इन आइडियाज को यूज करके अपनी वीडियो के लिए बेस्ट टैग्स ढूंढने की। तो सबसे पहले तो एक बेसिक काम करो, rapidtags.io नाम से एक वेबसाइट है, उस पर जाकर इन सेंट्रल आइडियाज को लिखो, एंड जो भी कीवर्ड्स आए उन्हें अपने नोटपैड में एक साथ सेव कर लो। एंड ऐसा तुम्हें हर सेंट्रल आइडिया के साथ करना है। ये करने के बाद थोड़े से एडवांस लेवल पर चलते हैं। जैसे इस आर्ट वाली वीडियो में हमने तीन सेंट्रल आइडियाज निकाले थे, ड्रॉइंग, आर्ट और विराट कोहली। अब जरा इन वर्ड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, एंड व्यूअर के पर्सपेक्टिव से सोचो वो क्या सर्च कर रहे होंगे। इसमें तुम YouTube सर्च की बहुत हेल्प ले सकते हो। जैसे अगर मैं सर्च करूँ विराट कोहली ड्राइंग, तो मुझे कई सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ऐसे ही एक एक करके इनको भी नोट डाउन कर लो, एंड लास्ट में तुम्हारे पास कीवर्ड्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट होने वाली है। पर एलग्रो, इतनी बड़ी लिस्ट का करे क्या, इतने सारे टैग्स तो इस डब्बे में आएंगे ही नहीं। और फो, तो किसने कहा कि इन सब टैग्स को कॉपी पेस्ट करना है, अभी तो हमने बस सही टैग्स ढूंढे हैं। अब बारी है इन्हें सही तरीके से अपने वीडियो में यूज करने की, तो चलो सीखते हैं। तो ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है, स्टिल मैं पर्सनली सबसे पहले टैग में अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, एंड तुम चाहो तो तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। अब ये करने के बाद बारी आएगी टैग्स वाले सेक्शन में हमारे मेन कीवर्ड्स डालने की। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टैग्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन डालने की जगह बहुत कम। एंड वैसे भी उल्टे सीधे टैग्स इस सेक्शन में भरना यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है, एंड ऐसे में तुम्हें इन कीवर्ड्स में से भी बेस्ट और सही कीवर्ड्स चूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो कीवर्ड्स पर नजर घुमाओ, और अगर कोई कीवर्ड एक से ज्यादा बार लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो उसे डिलीट कर दो। ये करने के बाद तुम्हें सिंपली जाना पड़ेगा vidIQ पर। वैसे तुम चाहो तो थोड़े कॉमन सेंस या ट्यूबबडी को यूज करके भी ये काम कर सकते हो, बट मुझे इस कीवर्ड रिसर्च के लिए vidIQ बेस्ट लगता है, तो मैं वही यूज करूंगा। तो अब बचे हुए वर्ड्स में से तुम्हें मेनली दो तरीके के कीवर्ड्स को सेलेक्ट करना है। वन, जिनका सर्च वॉल्यूम काफी हाई हो, बेसिकली ऐसे कीवर्ड्स जिन्हें लोग ज्यादा सर्च कर रहे हो। लॉजिक सिंपल है, अगर तुम्हारी वीडियो ऐसे किसी कीवर्ड पर रैंक करने लग जाती है, यार व्यूज ही व्यूज आने वाले हैं। बट क्योंकि ऐसे कीवर्ड्स को सर्च ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि इन पर कॉम्पिटिशन भी काफी हाई होगा। ऐसे में हमें सेकेंड टाइप के कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं, जिनका कीवर्ड स्कोर सबसे ज्यादा हो। फर्क नहीं पड़ता इन्हें 10,000 लोग सर्च कर रहे हैं या बस 1,000, बस इनका कीवर्ड स्कोर तगड़ा होना चाहिए। इससे होगा क्या, तुम्हारे पास मिक्स कीवर्ड्स आ जाएंगे। टाइप 1 के कीवर्ड्स
का डिसएडवांटेज है कि उनमें कंपटीशन काफी ज्यादा है एंड ऐसे में टाइप 2 वाले कीवर्ड्स इस कमी को पूरा कर देंगे। वहीं टाइप 2 वाले कीवर्ड्स का डिसएडवांटेज है कि उनमें बेशक तुम्हारी वीडियो नंबर 1 रैंक करे, तुम्हें अच्छे खासे व्यूज तो मिल जाएंगे पर तब भी एक लिमिट होगी। मतलब मे बी तुम्हें कुछ हजारों में व्यूज आ जाए बट लाखों में व्यूज आना मुश्किल होगा, बिकॉज इन कीवर्ड्स को तो लाख लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं। एंड ऐसे में काम आएंगे टाइप 1 वाले कीवर्ड्स। अच्छा एल्ग्रो, मतलब हम डिस्क्रिप्शन में जाके vidIQ वाली लिंक पर क्लिक करके तेरे सभी स्टेप्स को फॉलो कर लें तो हमारी वीडियो रैंक करने लग जाएगी? नहीं, बिकॉज तुमने अब तक टैग्स के सीक्रेट या कहूं मेन यूज के बारे में तो सुना ही नहीं है। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें टैग्स का सीक्रेट यूज बताऊं, वीडियो को लाइक करके आई डिड इट कमेंट जरूर कर देना। अब बात करते हैं टैग्स के मेन यूज की। ओके, सो टैग्स का असली काम जानने के लिए मैं गया YouTube की वेबसाइट पर एंड यहाँ YouTube ने एक काफी इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है, टैग्स कैन बी इम्पोर्टेंट इफ योर वीडियो इज कॉमनली मिसस्पेल्ड। फॉर एग्जांपल, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, YouTube पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन लगाने का सही तरीका। अब आइडियली तो सबकी स्पेलिंग यही होनी चाहिए पर होते हैं ना कुछ महान लोग, एक दो बार हम जल्दी जल्दी में भी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। जैसे मैंने vidIQ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन की जगह वीडियो DISCRIPTION लिखकर सर्च किया एंड अब मुझे पता नहीं है कितना सही है या गलत, बट इस गलत स्पेलिंग को 950 लोग सर्च कर रहे हैं। ऐसे ही कई सारे कीवर्ड्स पॉसिबल हैं, जैसे सब्सक्राइबर्स की जगह कोई ऐसा वाला सब्सक्राइबर्स लिख दे, टाइटल की जगह कोई तितली ही लिख दे, हु नोस। इसका सबसे तगड़ा एग्जांपल है पबजी बैन। इंडिया में पबजी बैन होने के बाद क्राफ्टन ने गेम को BGMI के नाम से लॉन्च किया, बट काफी लोग तो तब भी पबजी ही सर्च करते ना। ऐसे में क्राफ्टन टैग्स वाले सेक्शन में BGMI के साथ पबजी भी डाल सकता था एंड इससे शायद वो वीडियो पबजी कीवर्ड पर भी रैंक करने लग जाती, एटलीस्ट आई थिंक सो। अब देखो, मैंने तुम्हें टैग्स लगाने का बेस्ट या सही तरीका तो बता दिया कि पहले मेन कीवर्ड्स डाल दो, फिर अगर जिस टॉपिक पर वीडियो बनी है उसे लोग जनरली मिसस्पेल करते हैं, तुम उन वर्ड्स को टैग वाले सेक्शन में डालकर अपने व्यूज बढ़ा सकते हो। बट अगर ऐसा करने के बाद भी तुम्हारे व्यूज नहीं आते हैं, देन यू नीड टू नो अबाउट दी डार्क ट्रूथ ऑफ टैग्स ऑन YouTube, जो कि आई डोंट थिंक तुम्हें कोई इतनी आसानी से बताने वाला है। ओके, सो इस सेक्शन को समझने के लिए हमें एक सिंपल सा सवाल पूछना पड़ेगा, क्या तगड़े टैग्स लगाने से वीडियो वायरल हो जाती है? एंड मे बी इसका आंसर तुम्हें अच्छा ना लगे, बट इसका आंसर है अ बिग नो। जितने भी यूट्यूबर्स कहते हैं सही टैग्स लगाने से तुम वायरल हो जाओगे, ये 110% बकवास है। यूट्यूब खुद कहता है कि एक वीडियो के रैंक होने में टैग्स का रोल ना के बराबर है। बड़े यूट्यूबर्स जैसे मिस्टर बीस्ट डोंट यूज टैग्स एट ऑल, बट एल्ग्रो जब टैग्स किसी काम के ही नहीं है तो टैग्स को यूज करें ही क्यों? मत करो भाई, मैं तो नहीं कह रहा करो, बात बस इतनी सी है, मे बी टैग्स से बस 1% फर्क पड़ता हो, मे बी बिल्कुल भी ना पड़ता हो, बट जब तुम्हें YouTube ने जगह दे ही रखी है तो जैसे मैंने तुम्हें बताया इसका बेस्ट यूज करो ना। रही बात वीडियो रैंक करवाने की, तो YouTube कहता है वीडियो रैंक करवाने में सबसे मेन रोल उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन का होता है। लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखने का सही तरीका जान लो, और अगर वीडियो यहां तक देख ली है तो कमेंट करना आई डिड इट, बता दो चले कौन कौन वीडियो सही से देख।